السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. آج کی رات آپ سے خطاب کرنے کے لیے میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابھی آپ کے روبرو پڑھی ہے. اس حدیث کی مختصر تشریح کر کے میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. قبل اس کے کہ میں حدیث پر اپنی گفتگو شروع کروں، مناسب سمجھتا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں بس ایک یاد دہانی کے طور پر، چونکہ ہم آخری عشرے سے گزر رہے ہیں جو فضیلتوں والا عشرہ ہے، اور اس آخری عشرے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر راتوں میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اس دعا کا اہتمام کرنے کی تلقین فرمائی ہے. اس لیے میں آپ سب کو یاد دلانا چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ یعنی فجر تک وقت ہے، جہاں آپ تقریریں سن رہے ہیں، جہاں آپ تراوی کا اہتمام کر رہے ہیں، ان دس راتوں میں یہ جو دعا ہے، یہ جو ذکر ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا، دونوں پڑھ سکتے ہیں. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی لہذا مجھے معاف کر دے. فاعف عنا پڑھیں گے، ہم سب کو معاف کر دے. تو آپ اپنی پوری فیملی کے تصور سے فاعف عنا بولیں گے، اور تنہا اپنے لیے پڑھنا ہو تو فاعف عنی بولیں گے. تو یہ ذکر اور یہ دعا ضرور پڑھیں، اس ذکر کو پڑھنا ہرگز نہ بھولیں. اب آئیے حدیث جو میں نے پڑھی ہے، اس حدیث پر گفتگو کرتے ہیں. حدیث کے راوی صحابی رسول ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کے 73 سے زائد شعبے ہیں. ایمان کی 73 سے زائد خصلتیں ہیں. ایمان کی 73 سے زائد صفات ہیں. 73 70 3، تو کہا ایمان کی شاخیں کتنی ہیں، ایمان کی صفات کتنی ہیں؟ کہا 70 3 سے زائد. یہاں یہ ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے، 70 3 کا مطلب 70 3 نہیں، 70 3 کا مطلب 70 3 نہیں. عربی زبان میں 70 کا جو عدد ہے نا، کسی بھی چیز کی زیادتی کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے.
70 का मतलब बहुत ज्यादा, बेशुमार। तो यहां भी उसी माने में है कि ईमान के 73 से जायद शोबे हैं, ईमान की 73 से जायद खसलतें हैं। तो इसका मतलब यह है कि ईमान की सिफात बेशुमार हैं, ईमान की शाखें बेशुमार हैं, ईमान की अलामतें बेशुमार हैं। एक आदमी जो मोमिन बनता है ना, उसकी जिंदगी में बहुत सारी सिफात आती हैं, बहुत सारी आदतें आती हैं, अच्छी अच्छी आदतें, अच्छी अच्छी सिफात। प्यारे नबी फरमा रहे हैं ये उसके मोमिन होने की अलामत है, जैसे जबान की हिफाजत करना ईमान का एक शोबा है, इज्जत और आबरू की हिफाजत करना ईमान का एक शोबा है, मेहमान नवाजी करना ईमान का एक शोबा है, पड़ोसी को तकलीफ न देना ईमान का एक शोबा है, अल्लाह का जिक्र करना ईमान का एक शोबा। इस तरह अगर गिनते जाए ना तो ईमान के शोबे, ईमान की सिफात, ईमान की अलामतें और ईमान की खसलतें अनगिनत हैं, लातेदाद हैं, बेशुमार हैं। अब देखो इस हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अनगिनत और लातेदाद शोबों में से तीन शोबों का तज़किरा कर रहे हैं, तीन सिफात का तज़किरा कर रहे हैं, तीन अलामतों का तज़किरा कर रहे हैं। सबसे आला, सबसे कमतर और फिर दरमियान के शोबों में से एक शोबा। ईमान की इन बेशुमार शोबों में सबसे अफजल कौन सा है, सबसे कमतर कौन सा है, और बीच के जो शोबे हैं उसमें से एक अहम तरीन शोबे का आपने जिक्र किया। चुनांचे आपने कहा फअफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान का सबसे अफजल तरीन शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना, यानी तौहीद। तौहीद से बड़ी कोई नेकी नहीं, तौहीद से बड़ी ईमान की कोई अलामत नहीं, तौहीद से बड़ी ईमान की कोई शाख नहीं, और तौहीद से बड़ा कोई मारूफ नहीं, तौहीद से बड़ी कोई नेकी नहीं। अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान का सबसे अफजल तरीन शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार है। इसीलिए अंबिया व रसूल जब भी भेजे जाते थे वह अपनी कौमों से सबसे पहले इसी कलीमे का इकरार करवाते थे, इसी कलीमे की दावत देते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का एतराफ करो। फअफज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल शोबा तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार है, ला इलाहा इल्लल्लाह का एतराफ है। क्योंकि हमारी और आपकी नजात का दारो मदार इसी कलीमे पर है, जो इस कलीमे पे, इस कलीमे के साथ दुनिया से गया उसका बेड़ा पार हो गया। अल्लाह हम सबको कलीमे की मौत नसीब फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। कहा फअफजल व कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान का सबसे अफजल तरीन शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार है। वादनाहा इमातुल अज़ा अनिल तरीक, और ईमान का सबसे निचला, सबसे कमतर शोबा रास्ते से तकलीफ दह चीज का हटाना। देखो दूसरों को तकलीफ नहीं देना, हमारी जात से दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचना,
हम देख रहे हैं कि एक शख्स उस सिमत बढ़ रहा है जहां उसे तकलीफ हो सकती है, उसे तकलीफ से बचाने की फिक्र करना, कोशिश करना। प्यारे नबी फरमा रहे हैं, रास्ते से तकलीफदा चीज का हटाना यह ईमान का शोभा है। मैं रास्ते से गुजर रहा हूं, देखा कि कांच पड़ी हुई है, हाँ मैं बोला अल्लाह का शुक्र है कि मुझे चुभी नहीं, मैं बच गया, अल्लाह का शुक्र है, ये बोल के मैं आगे बढ़ गया। मैं मोमिने कामिल नहीं, मैं जब तक कि मेरे बाद आने वाले की फिक्र करते हुए मैं तो बच गया, कहीं मेरे बाद आने वाले के पैर में चुभ ना जाए, उसे उठा के बाजू ना फेंक दूं मैं, उस वक्त तक मैं मोमिन कामिल नहीं, मिसाली मोमिन नहीं। कांच एक मिसाल, गड़ा है मसलन, आप देख रहे हैं कोई भी गाड़ी आके अपसेट हो सकती है, गिर सकती है, आप बोले अल्लाह का शुक्र है मेरी टू व्हीलर बच गई और चले गए, नहीं, वहां रुकना, वहां उतरना, वहां कोई निशानी रखना था कि बाद में आने वाले को मालूम हो सके हाँ यहां यहां कोई प्रॉब्लम है। तो ये चीज देखिए, रास्ते से तकलीफदा चीज का हटाना। और देखो ये तकलीफदा चीज जरूरी नहीं कि वो कांच हो, जरूरी नहीं कि वो कांटा हो, जरूरी नहीं कि वो गड़ा हो। फर्ज करो ये रास्ता है सामने का, एक शख्स दुकान में बैठा है, दुकान में बैठ के गुजरने वालों को तकलीफ दे रहा है, वो भी अजा है। दुकान में बैठ के क्या कर रहा है? गुजरने वालों को तकलीफ दे रहा है, तबसरे कर रहा है, छेड़ रहा है, ताने दे रहा है एक शख्स, ये भी रास्ते की तकलीफ है। ये समझ में, तकलीफ अजा का जो मफहूम है बहुत वसी है। एक शख्स ऐसी जगह पार्किंग करता है, अपनी फोर व्हीलर हो टू व्हीलर हो, जहां पार्किंग करने से पूरी ट्रैफिक जाम हो रही है, लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, वो हटाना जरूरी है। तो कहा अदनाह इमातुल अदा अनि तरीक, ईमान के इन शोबों में सबसे कमतर शोबा रास्ते से तकलीफ दा चीज का हटाना। ये चूंकि एक कॉमन बात है, पार्किंग का मसला ना, मैं भी वो गलती करता हूं, आप भी करते हैं। हम सिर्फ अपना सोच दें कि मेरी गाड़ी को कोई जगह मिल जाए, बस ऐसी जगह मैं पार्क करता हूं जहां पार्क करने से लोगों को तकलीफ होती है, लोग जाएं भाड़ में, मेरी गाड़ी सेफ रहे, बस ये सोच सही नहीं। गाड़ी ऐसी जगह पार्क नहीं करना कि जिससे लोगों को तकलीफ होती हो, तो लोगों को तकलीफ न देना या रास्ते से तकलीफ दा चीज का हटाना, ये ईमान का सबसे कमतर शोभा है। अब देखिए, सबसे आला शोभा तो ही, सबसे कमतर शोभा रास्ते से तकलीफ दा चीज का। अब दरमियान के जो बेशुमार शोबे हैं उनमें से एक शोबे का तज़किरा आपने किया, कहा वल हया शोबतुम मिनल ईमान, और शर्मो हया ईमान का अहम तरीन शोबा है, शर्मो हया ईमान की अहम तरीन शाख है, शर्मो हया ईमान की अहम तरीन सिफत है। गौर करने की बात यह है कि दरमियान के बेशुमार शोबों में से, दरमियान की बेशुमार सिफात में से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर शर्मो हया का जिक्र क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि शर्मो हया ईमान की एक ऐसी सिफत है जो ईमान की दूसरी दसियों सिफात को जन्म देती है। देखो, शर्म और हया अगर है ना, शर्म और हया बहुत सारी नेकियां करवाती है हमसे, शर्म और हया बहुत सारे गुनाहों से बचाती है हमें,
एक छोटी सी मिसाल कि शर्मोहया की वजह से नेकियां कैसी होती हैं। आप फर्ज करो आप पांच दोस्त अहबाब मिलके जा रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, पांच हैं आप दोस्त अहबाब, एक गरीब आया, एक जरूरतमंद आया, आकर उसने हाथ फैलाया, अपनी जरूरत आप लोगों के सामने रखी। अब इन पांच में से चार लोग क्या करते हैं, अपने पास जो भी होता है वो उठा के उसे देते हैं। चार लोग दे दिए, पांचवा जो है बखील है। पांचवा क्या है? बखील है, पैसे की बड़ी मोहब्बत है, वो देने का इरादा नहीं है, देने का इरादा नहीं है, नहीं था। लेकिन जब वो ये देखता है कि मेरे साथ जो बाकी लोग हैं, चार लोग, चारों दे दिए हैं, अब मैं नहीं दिया तो क्या समझेंगे, ना चाहते हुए भी क्या करता है, ना चाहते हुए भी जेब में हाथ डाल के उठा के देता है। अब यहां खर्च करने की नेकी उससे हुई, ना चाहते हुए भी हुई। क्यों हुई? हया की वजह से, शर्म की वजह से। उसका तो इरादा नहीं था देने का, लेकिन शर्मो हया ने उसे ये नेकी करने पे आमादा किया। चारों साथी दिए, तुम एक ही हो, नहीं दिए हो, दे दो। शर्मो हया की वजह से वो उठा के देता है। इस तरह शर्मो हया बहुत सारी नेकियां करवाती है, और वैसे ही बहुत सारे गुनाहों से बचाती भी है शर्मो हया। देखो इंसान के साथ कितने मरतबा ऐसा होता है, इंसान गुनाह का इरादा कर लेता है, गुनाह की तरफ कदम बढ़ा भी देता है, लेकिन कोई जान पहचान का आदमी दिख गया, समझ में आ रही बात, हया की वजह से क्या करता है, गुनाह का इरादा करने के बावजूद शर्म, अरे फलां मौजूद है, फलां देख लेगा, जैद मौजूद है, अब्दुर्रहमान मौजूद है, बकर मौजूद है, वो देख लेगा। शर्मो हया की वजह से वो क्या करता है, गुनाह से बचता है। अब जाहिर बात है इसमें इखलास बहुत कम है, वो नेकी कर रहा है तो भी इखलास बहुत कम है, लोगों की वजह से कर रहा है, बुराई से बच रहा है तो भी इखलास कम है, लोगों की वजह से बच रहा है, बहुत थोड़ा सवाब मिलेगा उसे, बहुत थोड़ा। ये चार लोग जो गरीब के मांगते ही जज्बे से दिए, उनको जितना सवाब मिलेगा उतना सवाब तो इसे नहीं मिलेगा, जाहिर बात है। तो लेकिन है कि हया नेकी करवाती है और गुनाहों से बचाती है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरमियान के दसियों शोबों में से खास तौर पर शर्मो हया का तज़किरा फरमाया। तो मेरे हाल अजीम हदीस है ये, रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, हम सबको भी अपनी जिंदगियों में ईमान के ये शोबे, ईमान की ये खसलतें, ईमान की ये सिफात ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर पैदा करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।